मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कॉफ़ी बनाने का बहुत ही स्पेशल तरीका शेयर कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की कॉफ़ी शायद आपने कभी नहीं बनाई होगी। आज जो मैं आज आपको कॉफ़ी बता रही हूँ दोस्तों, इस कॉफ़ी को हम कहते हैं डेलगोना कॉफ़ी, और आप इस कॉफ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत ही पसंद आएगी। खासकर जो कॉफ़ी लवर्स हैं उन्हें तो ये कॉफ़ी बहुत ही पसंद आएगी, और बहुत आसान है इसे बनाना। तो जो भी कॉफ़ी आप लोग पीते हैं, बस वही आप इंस्टेंट कॉफ़ी ले लें। आपको यहाँ पर कॉफ़ी लेना है 2 बड़े चम्मच, किसी भी एक चम्मच का आप इस्तेमाल करें। तो मैंने जिस चम्मच से 2 चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर लिया है, और अब हमें इसमें शक्कर ऐड करना है। वैसे तो इसमें 2 चम्मच ही शक्कर लगेगी, परंतु बहुत से लोगों को थोड़ी सी मीठी कॉफ़ी पसंद होती है, तो आप 3 चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है, उसी चम्मच से मैंने 3 चम्मच शक्कर ली है, और साथ ही अब हमें लेना है इसमें गरम पानी। गरम पानी आपको लेना है 2.5 चम्मच। तो 2 चम्मच के करीब मैंने पानी डाला है, आप चाहें तो 2.5 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। पानी अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए। इसे फेंटने के लिए आप इस वायर विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु वायर विस्कर से आप फेंटेंगे तो 10 से 12 मिनट आपको लग सकते हैं, और आप इस इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से यदि इसे ब्लेंड करेंगे, फेंटेंगे दोस्तों, तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट, 4 मिनट में ही ये बहुत बढ़िया अच्छी तरह से फिट जाती है। इस कॉफ़ी का मज़ा तभी आता है दोस्तों, जब ये बहुत बढ़िया फेटी गई हो। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी इसे फेंट सकते हैं, परंतु तब आपको पूरा 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप चाहें तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें, चम्मच की सहायता से भी आप फेंट सकते हैं, या फिर हैंड ब्लेंडर है तब तो बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इसे फेंटते हुए मात्र मुझे 1 से 1.5 मिनट का टाइम हुआ है। कॉफ़ी, शक्कर और गर्म पानी तीनों बढ़िया अच्छा मिक्स हो गए हैं, और बहुत ही बढ़िया इसका जो मिक्सचर है, फ्रोथी मिक्सचर बनकर तैयार हो रहा है। तो ये देखिए, इतना बढ़िया इसमें झाग आना चाहिए दोस्तों कि जब हम इसे दूध में डालें, मिल्क में डालें, तो इसका झाग ऊपर ऊपर पूरा फ्लोट करना चाहिए। दूध में मिक्स नहीं होगा, ऊपर ऊपर ही, बिल्कुल जैसे आइसक्रीम फ्लोट करती है ना, बिल्कुल वैसे ही फ्लोट करना चाहिए, तो ही इस कॉफ़ी का को बनाने में मज़ा आता है, और ख़ासकर पीने में मज़ा आता है। और आजकल तो दोस्तों ये कॉफ़ी सभी जगह पर बहुत पसंद की जा रही है, और अभी जब आपके पास टाइम है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। आपके घर में भी ये कॉफ़ी बड़ों को भी पसंद आएगी, और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। और कोई ख़ास सामान नहीं चाहिए दोस्तों, कॉफ़ी तो ज़्यादातर सभी के घर पर होती है, कुछ भी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अब आप देख सकते हैं इसे फेंटते हुए मुझे 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो 3 से 4 मिनट के अंदर करीब करीब हम इसे बहुत अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको इस उठा के दिखा रही हूँ। आप देखिए, मैंने चम्मच को उल्टा किया है दोस्तों, परंतु फिर भी ये कॉफ़ी का मिक्सचर नहीं गिर रहा है, जैसे कि हमारी आइसक्रीम होती है ना, बिल्कुल आइसक्रीम के जैसे ही इसमें झाग आना चाहिए, इतना फुलापन, सॉफ्ट और क्रीमी होना चाहिए। तो ये हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो डॉलगेनो कॉफ़ी जो हम बना रहे हैं दोस्तों, उसका ये मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। जितना सुंदर ये दिखने में लग रहा है दोस्तों, जब आप इस कॉफ़ी को पियेंगे ना, तो शायद हर बार आप इसी तरीके से ही कॉफ़ी बनाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉफ़ी कैसे बनाना है। ये तो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बना लिया एक गिलास में। मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध आपको ठंडा लेना है, ठंडा दूध लें, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। फ्रीज में रखा हुआ दूध लिया है। ग्लास में मैंने 2 आइस क्यूब डाले हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा गर्मी है तो आप थोड़े ज़्यादा आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। और 1 कप जो दूध लिया है वो आपको ग्लास में डालना है। आपको अलग से दूध में शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कॉफ़ी के मिक्सचर में अच्छी 3 चम्मच शक्कर डाल दी थी। परंतु उसके बाद भी आप लोग थोड़ी सी और मीठी कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो दूध में भी आप 1/2 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। तो मैंने तो दूध में बिल्कुल भी शक्कर नहीं डाली, और ये जो कॉफ़ी का मिक्सचर बना है हमारा, डेलगोनो कॉफ़ी का जो मिक्सचर बना हुआ है, बस उसे ही मैं डाल रही हूँ। तो ये हमारी बिल्कुल ठंडी ठंडी डेलगोना कॉफ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है।
आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें झाग आया है। आप देखिए मैं चम्मच से इसे डाल रही हूँ, बिल्कुल गिर भी नहीं रहा है। तो आप खुद ही सोचिए दोस्तों, जब आप इसे पियेंगे तो कितना मज़ा आएगा। मैं जब भी इसे बनाती हूँ, मेरे बच्चे तो इतने शौक से इसे पीते हैं, ऐसा लगता है कि अरे वाह हम आइसक्रीम खा रहे हैं, इतना मज़ा आता है इसे। इसलिए मेरे कहने से आप इसे ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तब तो बहुत ही बढ़िया, आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से आप चाहें तो कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल करें। आपके पास चोको चिप्स है तो आप चोको चिप्स स्प्रिंकल कर सकते हैं। डेरी मिल्क टॉफ़ी है, चॉकलेट है, तो थोड़ी सी डेरी मिल्क को ग्रेट करके आप इसमें डाल दें। आप देखेंगे कि सब लोग बड़े ही चाव से पिएंगे। तो ये हमारी डलगेनो कॉफ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। और आजकल इस कॉफ़ी को सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपके साथ इस कॉफ़ी की रेसिपी को शेयर करूं, शायद आपको भी ये कॉफ़ी बहुत ही पसंद आए। बस इस ठंडी ठंडी कॉफ़ी को पिएं, आनंद लें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और कमेंट करने से पहले इस कॉफ़ी को बनाकर ट्राई ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।